कल रात को जब मैंने इस चीज को लेकर के कम्युनिटी टैब पे डाला, भाई सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जिस हिसाब से वोट पड़ने लगे ना, हाँ पता है, मैं खुद हैरान हो गया। भाई इतने सारे लोगों को पता है कि लूफी वानों के गेट्स कैसे ओपन करेगा। फिर जब भाई धीरे धीरे लोगों ने नई पता पे वोट किया, तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, वीडियो बनाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब हाँ यार देखो, इसके बारे में मेरे को भी खुद ठीक से नहीं पता था, पर मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त लॉर्ड ऑफ हरामी की, उसने रिसर्च करके निकाल करके दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, जिस वजह से ये वीडियो तुम्हारे लिए बन पाया। सीधे मुद्दे पे आएंगे कि आखिर लूफी वानों के गेट्स को कैसे ओपन करेगा, बिकॉज हम सबको तो पता है लूफी वानों के गेट्स को ओपन करेगा, पर कैसे। अब देखो, काइडो को हरा देने से ही वानों का गेट्स ओपन नहीं हो जाता, क्योंकि हम सबको पता है यार, जब काइडो नहीं था, ओडेन के टाइम पे भी वानों के गेट्स बंद थे बाहर की दुनिया के लिए। अब 20 साल बाद जब लूफी आया है, लूफी काइडो को हराने के बाद वानों के गेट्स को ओपन करेगा। एक और चीज मैं तुमको शायद बताना भूल गया, इसमें मांगा के स्पॉइलर होने वाले हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। और हाँ, एक और बात बता दूं, ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने वानों आर्क को थोड़ा अच्छे से देखा है, तो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से वीडियो जा सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तुम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। खैर, तो मांगा स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हाँ यार, वन पीस मांगा चैप्टर 1050 का भी स्पॉइलर आ गया, जिस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। चिंता मत करो, चैरी इस पे वीडियो बना रहा, और उसके चैनल पे तुमको ये देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं अकेला इंडिया में नहीं हूँ जो वन पीस के स्पॉइलर्स पे वीडियो बनाता है, तो मेरा भाई नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वो भी बनाता है, तो जा करके उसके चैनल को चेकआउट करो, उसने शायद स्पॉइलर पे वीडियो बना दिया होगा। खैर यार, हम लोग चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर तुम वानो कंट्री को जरा ध्यान से देखो, वानो कूनी को ध्यान से देखो, तो वहां पर तुमको एक वॉल्केनो नजर आएगा। इस चीज को पहले तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा, पर अब नोटिस कर लो। साथ ही साथ अब हम लोग जरा आते हैं उस पॉइंट पे कि आखिर वानो के अंदर घुसा कैसे जाता है। देखो, अभी तक हमें दो रास्ते बताए गए, एक रास्ता जो कि लूफी यूज करके आया था भाई झरने के ऊपर चढ़ के, सेकंड रास्ता स्क्रैचमैन एपू। ये वाला बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन हाँ, एनिमे और मांगा दोनों में बताया गया है एपू कैसे अंदर आया था। वानों के अंदर आने के दो रास्ते बताए गए थे, पहला वाला मैंने लूफी वाला बता दिया, और एपू उस झरने के अंदर से आया था। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर तुम्हें एक बात पता चलेगा, उस झरने के अंदर एक पहाड़ है, उस पहाड़ को थोड़ा ऊपर किया जाता है, जिस वजह से नीचे एक गुफा टाइप का रास्ता बन जाता है, और फिर उसके थ्रू अंदर आया जाता है। ये दो रास्ते हमें बताए गए थे, बट एक और तीसरा रास्ता भी है, तो हम लोग जरा ध्यान से, तुम सबको स्क्रीन में ये चीज दिख रहा होगा। पहले बात करते हैं हाथी की, तो हाथी जो है वानों के बाहर है। अब तुम जरा ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर एक वॉल्केनो भी है। अब हम आते हैं वन पीस के मांगा चैप्टर 1050 के स्पॉइलर पे, वहां पर क्या लिखा था। सबसे पहला वाला स्पॉइलर, काइडो फॉल्स इन दी मैग्मा डीप डीप अंडर वानो आइलैंड, बिग मॉम इज देयर टू। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अबे यार ये काइडो क्या वॉल्केनो के अंदर घुस गया। लेकिन एक चीज जरा ध्यान दो, यहाँ पर कहीं पर भी इस स्पॉइलर में ये नहीं लिखा गया कि भाई वो वॉल्केनो के अंदर घुसा है, वरना यार जिसने भी स्पॉइलर डाला है वो पक्का डालता कि वॉल्केनो के अंदर घुसा है। वो वॉल्केनो के अंदर नहीं घुसा है, वो मैग्मा के अंदर घुसा है, लेकिन किसी और रास्ते से। बताता हूँ, वो घुसा है इस वाले रास्ते पे। यहाँ पे तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो लाइन्स है, और ये दो लाइन्स के थ्रू तुम सीधे नीचे जा सकते हो भाई, धरती के कोर पे। और यहाँ पर तुमको बगल में ये भी दिख रहा होगा, वो वाला बड़ा सा जो पहाड़ जो वानों के गेट्स को बंद करके रखता है, और उसके बाद झरना भी तुमको दिख रहा होगा। तो एक के थ्रू जो है बिग मॉम घुस गई, और दूसरे के थ्रू काइडो घुसा है, और वो लोग सीधे नीचे घुसे। अब इन दोनों के अंदर घुसने से क्या चीज होगा पता है भाई? वॉल्केनो का विस्फोट होना है, ये मैग्मा विस्फोट होगा, और किसी ना किसी तरीके से इन सब विस्फोट का चलते, पहले बता देता हूँ, इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। काइडो नहीं मरेगा, लिलिन भी नहीं मरने वाली है, ये लोग बच जाएंगे। अब हाँ, लिलिन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। बात करूँ काइडो की, तो काइडो यार साला आसमान से कूद के बच गया, इसको भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक चीज कह देता हूँ, लिलिन से कम डैमेज पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, उस वॉल्केनो विस्फोट से वो वाला पहाड़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, पहाड़ हट गया, वानो का गेट खुल गया, और ये वानो का गेट अगर खुल गया, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के शिप्स आ रहे हैं वानो पे कब्जा करने के।
लिए। एक और बात, उस स्पॉइलर पे एक और लाइन था जिस पर बहुत सारे लोग जो है सवाल उठाने वाले हैं, जहां पर मोमोनोस्के कहता भी है जुनेसा को कि वो वानो के गेट्स को ओपन करेगा लेकिन अभी नहीं। बट लूफी तो कांड कर चुका है, क्योंकि हम सबको पता है बहुत बार 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 बताया गया है 20 साल बाद कोई आएगा जो वानो के गेट्स को ओपन करेगा, और लूफी 20 साल बाद आया है और वही वानो को फ्री कर रहा है। तो हाँ भाई, वही वानो के गेट्स को ओपन कर रहा है, बिकॉज वो काइडो को मार के सीधा भाई नीचे मैग्मा में फेंक दिया, और जिस वजह से क्या होगा, वॉल्केनो फटेगा और मैग्मा के वजह से वो पहाड़ भी डिस्ट्रॉय होगा, और अगर वो पहाड़ डिस्ट्रॉय होता है तो वानो के गेट्स ओपन हो जाएंगे। और ये गेट्स ओपन होने के वजह से क्या होगा मालूम भाई, वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिर्फ वानो पे आएंगे, और यहाँ पर हमें हो सकता है लूफी वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कुछ लफड़ा देखने को मिल जाए। मतलब तुम सब समझ रहे हो ना। खैर, ये सब चीज़ें तो मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक चीज़ मैंने बता दिया कि आखिर वानो के गेट्स किस हिसाब से ओपन होंगे। तो यार, इस चीज़ को लेकर के क्या तुमको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर पहले से पता था तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भाई मेरे को पहले से पता था। और तुम्हारा क्या मानना है यार इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 1000 लाइक का, तो यार अपन 1000 लाइक मांगता है तुम लोग से, तो 1000 लाइक करवा दो, दिल खुश हो जाएगा तेरे भाई का। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए तो जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पर वन पीस के वीडियोस, थ्योरीज, मांगा चैप्टर रिव्यूज करते रहता हूँ, तो इस वजह से वन पीस के वीडियोस अगर तुम देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तेरे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।